साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बैंक की लाइन में जन्मे खजांची को अब कानपुर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया है। नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए नन्हे से खजांची को इस बार उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर के झींझा के स्थित एक बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाया है। 2 दिसंबर 2016 को कानपुर देहात में जन्मे खजांची को समाजवादी पार्टी का नन्हा समर्थक कहा जाता है। अखिलेश यादव खजांची का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने तमाम बार खजांची के परिवार की मदद भी की और इस बार खजांची का स्कूल में एडमिशन कराया। अखिलेश यादव ने खजांची से मुलाकात पहली बार तब की थी जब उसका जन्म हुआ था। नोटबंदी के लाइन में पैदा हुए नन्हे से बच्चे को अखिलेश ने ही खजांची नाम भी दिया था। खजांची के जन्म के बाद हर साल उसका जन्मदिन अखिलेश यादव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर खजांची को तमाम तोहफे भी दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कानपुर में अखिलेश यादव ने खजांची की पढ़ाई की जिम्मेदारी को उठा लिया है। कानपुर के झींझक स्थित रामा इंटरनेशनल स्कूल में खजांची का कई बड़े घर के बच्चों के साथ एडमिशन कराया गया है। एक छोटे से गांव में पैदा हुए खजांची की खुशी इससे साफ नजर आती है कि उसकी तस्वीरों में वो हर जगह मुस्कुराते हुए दिखता है। खजांची की इन तस्वीरों के बाद उनके परिवार के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने उनसे जो भी वादे किए थे सारे वादे निभाए हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खजांची सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। खजांची के परिवार के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने उनसे किया हर वादा निभाया है। खजांची की जिम्मेदारी अब उन्होंने उठा ली है और अखिलेश ने यह कहा है कि वो चाहे जब तक पढ़ना चाहे वो उसकी पढ़ाई का सारा खर्च पूरा करेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।